हाय फ्रेंड, आज हम लोग बिहार में इसको टाव बोलते हैं, तो टाव का जूस बनाएंगे। इंग्लिश में इसका नाम पोमिलन होता है, तो आप इसको अच्छे से सुधार लीजिए। इसका चमड़ी और छिलका बीज तीनों ही अच्छे से निकालना है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं सुधारिएगा, अच्छे से बीज छिलका नहीं निकालिएगा, तो इसका जूस कड़वा हो जाएगा। जैसे मैं निकाल रहा हूँ, आप इसी तरह निकाल लीजिए। देखिए, इतना साफ निकालना है आपको, पूरी तरह साफ हो जाना चाहिए। देखिए, और आप इसको अब बनाने के लिए ये रेडी है, आप इसको जूस बना सकते हैं। तो चलिए, हम लोग एक जार लेंगे और जार में इसको डाल देंगे। आप अगर इसमें पानी डालना चाहें तो पानी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगा। थोड़ा सा पानी डालूँगा तो इससे क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा और फिर इसका जूस थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। वैसे आप बिना पानी का भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें खुद जूस ही बहुत होता है। तो चलिए, इसको अब हम मिक्सी में घुमा लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और अब आप इसको अच्छे से छन्नी से छान लीजिए पूरी तरह, और फिर आपका जूस रेडी है। आप इसको अच्छे से छन्नी से छान लीजिएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको किसी भी तरह इसमें जो है बीज छिलका वो नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें बीज और छिलका रहा तो इसका जूस कड़वा बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना साफ इसका छिलका निकाला था मैंने। अब देखिए, जूस आपका बन के